हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द हंग्री सरकार। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है बिग बॉस के घर में, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस मीडिया वाले आने वाले हैं और मीडिया पर्सन सारे घर वालों से सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले नेजी भाई को टारगेट किया गया है। नेजी से सवाल पूछे जाएंगे कि वो कैसा गेम खेल रहे हैं, वो सलाम मकबूल के इशारों पर नाच रहा है या क्या कर रहा है, वो उसका क्या स्ट्रेटेजी है गेम का। तो यहाँ पे नेजी भाई उनको जवाब देंगे कि ये उनका कुछ पर्सनल मामला है, पर्सनल बातें तो ये क्यों आप पूछ रहे हो। उसके बाद कृतिका और अरमान को भी टारगेट किया जाएगा, कृतिका से भी सवाल पूछे जाएंगे और प्रेस वाले उनको ये भी बताएंगे कि फाइल जो बाहर आए। और गाइस, और आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में अब की बार क्या होने वाला है, जो मीडिया पर्सन है वो सना मकबूल से भी सवाल पूछेंगे कि उन पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये कितना सच्चाई है इस बात के ऊपर। और अरमान मलिक से सवाल पूछे जाएंगे, अरमान मलिक से ये पूछा जाएगा कि आप जो सना मकबूल पे आपकी बात उधर करती है, चुगलबाजी करती है, तो वो खुद क्या कर रहा है अंदर बैठ के, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। बिग बॉस के घर से तो विशाल और शिवानी को निकाल दिया गया है, तो अगला एविक्शन जो है वो साई केतन या फिर कृतिका, इन दोनों में से किसी का होने वाला है। गाइस, ये आप लिखवा लो बिल्कुल, कृतिका या साई केतन, इन दोनों में से कोई घर से बेघर होने वाला है, क्योंकि मीडिया पर्सन जो है वो साई केतन से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कुछ खुद का कोई मुद्दा नहीं है, घर में कोई रोल नहीं है उनका, वो इस सीज़न में चला ही नहीं है। और खैर, आपको बता दें जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं अब इसमें, जो बिग बॉस का शो है वो एकमात्र एल्विश के नाम से चल रहा है। एल्विश के नाम के बिना बिग बॉस का शो बिल्कुल अधूरा है। आपकी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी से सवाल पूछे जाएंगे, रणवीर से भी सवाल पूछे जाएंगे। मीडिया पर्सन के सवाल जवाब के बाद कृतिका बहुत रोती हुई दिखाई दे रही है, वो बहुत इमोशनल हो चुकी है।